नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल परिवार में। मैं अभी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक बार तेजी के साथ जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग वीडियो एग्जाम के लिए तैयारते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग फटाफट तेजी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर एक हमारा परिवर्तन बैच में यूपी स्पेशल परिवर्तन बैच है, जहां पर आप चाहे आप पुराने बच्चे हैं तो मात्र 999 रुपए दे करके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, पीटी, बंदरोगा, वीडियो, आरओआर, इनके सभी के सेपरेट बैच आप ले सकते हैं एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन से। और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो मात्र 1499 रुपए दे करके ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो हमारे पिछले वर्ष के 15 महाकुंभ के कोर्सेस थे, जो इससे कोर्स से पहले जो भी कोर्सेस कंप्लीट हुए वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप उस कोर्सेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि जो हम कल आपको एज ए होमवर्क दिए थे उसको कितने बच्चों ने किया था, एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एज द होमवर्क मैं आपके सामने छोड़ के गया था। तो आप सभी बच्चे बताइए कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था। सभी बच्चे बताएंगे, मैंने आपको डिटेल बता दी थी, मैं आपको डिटेल बता करके गया था क्या करना है, उसी के हिसाब से आपको करना था। ठीक है, मैं आपको बता दिया था, फिर उसी के हिसाब से आपको चीजों को डिस्कस करना है। तो वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैंने इसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन में बता के गया था, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आज यहां से शुरू करते हैं। चलिए, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन भी एक बार मैं आपको फिर से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, मैं आपसे कई बार कहता हूं नॉन वर्बल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन मिल जाए इसमें कोई डाउट नहीं है, तो 7 से 8 या 10 क्वेश्चन मिल जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर मिला करके। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तेजी के साथ देखिए और बताने का प्रयास करिए। देखिए, यही सेम क्वेश्चन, इसका एक गलत प्रारूप वाला क्वेश्चन आपका वीडियो में आया था, जहां पर एकदम निश्चित ही नहीं, यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसी का फर्जी वाला रूप आपका वीडियो में देखने को मिला था। पिछला पेपर जितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा उसने देखा होगा कि ये जो क्रम बॉक्स बना था उसमें कहीं ऐसे बना दिया था, कहीं अगर जो बच्चा सॉल्व किया होगा पेपर उसको पता होगा कहीं ऐसे बना दिया था, ऐसे ऐसे करके बनाया था। अब आप यहां पर ही देखिए, जैसे आप यहां पर भी देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको देखिए, यहां पर आपको गोला दिखता है, यहां पर गोला दिखता है, यहां पर गोला दिखता है। नॉन वर्बल के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चन को बनाते ही नहीं। नॉन वर्बल वाले प्रॉपर डिटेल में इस क्वेश्चन को बनाते ही नहीं। आप जैसे भी कितना भी करेंगे ये आपका बनेगा ऐसे, और एक गोला भी यहां पर आना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है ऐसी कोई डिजाइन आपको दिखी नहीं रही, ऐसी कोई पर्टिकुलर डिजाइन दिखी नहीं रही। तो क्या सिलेक्ट करेंगे बताइए, क्या चुनना पसंद करेंगे इसमें, जल्दी से बताइए। देखिए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो वी आर चूजिंग देन डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। यहां पर अगला सवाल अब आपको मिलता है 10 सेकंड। आपके मन में बड़ा सवाल चलता है कि प्रैक्टिस के लिए क्या कोई बुक ले ले। तो देखिए, आपको ये जो 30 सेकंड या 40 सेकंड का समय देता हूं ना, इतनी देर में आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये है आपके पास 30 सेकंड का समय, आप करके उत्तर बताइए बहुत आराम से, बहुत जल्दी नहीं, समझ रहे हैं। चलिए उत्तर बताइए, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो चीजों को समझते हैं, अच्छे से उत्तर करते हैं, प्लीज बताएं। यहां पर लिखता है एल जो है वो ए के पूर्व में है, एल जो है वो किसके पूर्व में है, ए के पूर्व में है, ऐसे आराम से बनाइए। आर जो है वो बी के पश्चिम में। अब इस शब्द को देखिए, यहां पर लिखता क्या है, जो। अब जो का मतलब समझिए, यहां पर लिखता है आर जो है वो बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है, मतलब जो किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए, जो एल के दक्षिण में है, मतलब ये जो आपका बी है वो किसके दक्षिण में है, एल के, जो आपका ये बी है वो एल के दक्षिण में है। और दूरी नहीं दी है इसलिए हम समान दूरी मानेंगे। और इसके बाद कहता है आर जो है वो बी के पश्चिम में है, आर जो है वो बी के पश्चिम में, हम समान दूरी बनाते हुए चल रहे हैं। के जो कि आर और बी के मध्य में है, के जो कि आर और बी के मध्य में है,
ए के दक्षिण में देखिए के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में, मतलब यहां पर कहीं आपका के है, ठीक है, ये आपका बन गया ओके। यहां पर कहता आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, आर जो है वो एल के संदर्भ में किस दिशा में, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, बताओ डियर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपके सामने एक सीरीज है, छोटी सी सीरीज है, बताइए एक छोटी सी सीरीज है, बताने का प्रयास करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस सीरीज का, उत्तर बताइए प्लीज, आंसर बताइए आप जितने भी बच्चे हैं, बहुत ही आसान सीरीज है, उत्तर बताने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है लॉजिक, क्या है चीजों को समझिए। बताइए सर ऐप पे क्लास नहीं चल रही है, उड़ान, उड़ान बैच में तो कंप्लीट है मेरा कोर्स ना बच्चे, मेरा उड़ान बैच में तो मेरा कोर्स कंप्लीट है ना, मैं उड़ान बैच में एकदम क्लास कंप्लीट करके गया हूं भाई, उड़ान बैच में मैं एकदम कोर्स को कंप्लीट किया हूं, क्या बात करते हैं आप। एकदम कोर्स को मैंने कंप्लीट किया उड़ान बैच में, कुछ भी बचा नहीं है। यहां पर क्या बताते हैं 51-48, कई तरीके के उत्तर बताए जा रहे हैं, चलिए कई बच्चे अलग अलग तरीके के उत्तर बता रहे हैं। अगर मैं यहां पर देखता हूं कितने का फर्क दिखता है आपको, तीन, यहां पर कितने का फर्क दिखता है आपको, चार, यहां पर कितने का फर्क दिखता है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, कोई लॉजिक दिख रहा है, यहां पर चार और यहां पर कितना दिख रहा है 17, यहां पर 17 सात प्लस सात का अंतर दिखता है, और यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है, यहां पर आपका 11 का अंतर दिख रहा है, यही है ना, क्या है लॉजिक, कुछ समझ में आया, कितना प्यारा लॉजिक। देखिए अगर आप 3 + 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 7, और 4 + 7 करते हैं कितना हो जाता है 11, और 7 + 11 आप करते हैं तो 18 आ जाता है, तो यहां पर कितने का अंतर होगा 18 का, तो प्लस 18, 8 + 5 = 13, 3 + 4 = 5, 53, तो 53 जितने बच्चों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है, 51 वालों का गलत है। अब आप बताइए ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे जिसे आप गलत कर देंगे, देखने में यह सीरीज बहुत आसान थी लेकिन अगर आपको ये वाला लॉजिक नहीं पता है तब आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, जो 51 बताएंगे 48 बताएंगे फिर आपसे गलत ऐसे ही होगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इस सवाल का उत्तर बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताइए आप क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर बताने का प्रयास करिए, ओपन नहीं हो रहा है ऐप, अच्छा ओपन नहीं हो रहा है ऐप तो कुछ किया जाएगा, परेशान मत होइए अभी चलते हैं। चलिए इस पहले सवाल का उत्तर बताइए, मैं किनारे, 30 सेकंड का समय है पूरा होता हुआ। देखिए लिखता है कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, मतलब मान लेते हैं कि इतनी जो आपकी स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन क्या है, इतनी स्क्रीन क्या है आपकी डिस्प्ले है, ये क्या है आपकी डिस्प्ले है, ये आपकी क्या है डिस्प्ले है। आगे क्या कहता है, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, जितने भी मॉनिटर हैं सारे के सारे क्या हैं डिस्प्ले हैं, इसी के अंदर मॉनिटर बना देते, इसी के अंदर क्या बना देते हैं मॉनिटर बना देते, यहां पर ये क्या हो गया आपका डिस्प्ले हो गया, ठीक है। सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, जितने मॉनिटर हैं सभी के सभी क्या हैं आपके बॉक्स में, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है मॉनिटर बॉक्स। कहता है कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, सम डिस्प्ले आर बॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, हम इसके बारे में कह नहीं सकते, अनुमान हो सकता है अंदाजा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है। इस सवाल का उत्तर बताइए, यहां पर भी हमने 30 सेकंड का समय दिया है आपको, गौर से देखिए हमने यहां पर आपको 30 सेकंड का समय दिया। लिखता है वक्तव्य, क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तथा सभी वार्षिक परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए, अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया, यहां पर आपसे यह पूछता है, क्या पूछता है,
क्या स्कूल स्तर पर नौवीं कक्षा तथा सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए? स्कूल स्तर पर, याद रखिएगा, स्कूल स्तर का मतलब नॉर्मली कक्षा आठ तक की बात होती है। स्कूल स्तर का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली कक्षा आठ तक की बात होती है, नौवीं तक भी, नौवीं को इंक्लूड कर लिया गया। हाँ, दलील सुनिए, दलील क्या कहती है। हाँ, इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। यह निहायत कमजोर तर्क है। दलील का मतलब तर्क भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। आप कहते हैं ना कि दलील मत दीजिए, गलत दलील दलील मत दीजिए, कमजोर तर्क मत दीजिए। दूसरा कहता है नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। भाई अगर आप बिना किसी परीक्षा दिए आप कॉलेज तक पहुंच जाएंगे तब क्या होगा आपका? जब वहां पर थीटा बीटा लेमडा टेमडा आएगा ना, तब जिंदगी बर्बाद कर देगा, लगेगा ओ माय गॉड ये था क्या। आप कहेंगे अरे ये अचानक से ये क्या हो गया, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल जाएंगे। उत्तर बताइए, दिए गए विकल्प से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी से संबंध के अनुरूप प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क की जगह पर लेंगे। जैसे इसका इससे संबंध है, वैसे आगे क्या संबंध, बताइए। उत्तर बताने का प्रयास करिए, देखते हैं कितने लोग करें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको दिक्कत होगी, अब आप जो ढूंढेंगे वो होगा ही नहीं, कहें तो आप कहेंगे कि तुम मुझे किसी चीज में ढूंढोगे। एक्चुअल में यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे जो हैं वो सही बता रहे हैं। देखिए, कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, जातिवाद होता है। कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, जातिवाद होता है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है। तो देखिए, जहां जातिवाद होगा वहां भेदभाव होगा, जहां पर जातिवाद की बात की जाएगी वहां पर भेदभाव होगा। समझ रहे ना, जहां जातिवाद हुआ वहां भेदभाव होना निश्चित है। तो उसी तरीके से अगर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आज सुबह एक सज्जन से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सर हम तो बड़ी समस्या में है, समस्या। हम कहे आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ही तो असली समाज को आईना दिखाएंगे कि मैं विवाहित होकर के एक बच्चे की मां होने के बाद मैंने वीडियो में सिलेक्शन लिया, तो ये आपके लिए तो सबसे बड़ा प्रिविलेज है। आम लोगों के मुकाबले आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट किसकी बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। भाई जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, आपका यह बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला सवाल बताइए, क्या सभी स्तर पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा में, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा का है कि हाँ भैया हम तुसे कहा था ही एका सॉल्व कहके बतावा, नहीं आवता है तो हमका कैसे हो पाई। ये क्षेत्रीय भाषा है, मेरी क्षेत्रीय भाषा अवधी है, हम अवध क्षेत्र से हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं। दलील क्या कहती है, तर्क कहती है हां चीन और जापान में शैक्षणिक पद्धति स्थानीय भाषाओं में है। आप में से कहेंगे ओ माय गॉड ये तो सही है, आप कहेंगे हाँ गुरुजी एकदम सही कहा था, चीन और जापान में ना लोगन का जो पढ़ावा जाते ना उनके खुद के मातृभाषा में पढ़ावा जाते, लेकिन हम क्या करते हम अंग्रेजी के पीछे भागत है, ये कैसे काम चल पाई बताओ गुरुजी। हम कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कहा था। तो ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है, तो आप ये जानते हैं कि कभी भी तर्क तुलना सूचक नहीं होना चाहिए। दलील का मतलब तर्क होता है, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी दलील या तर्क तुलना सूचक नहीं होना चाहिए। दूसरा, नहीं या रोजगार के अवसर को कम कर सकता है। जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर का उदारीकरण कर रहा हो और हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो तो वो संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों को चयन करना पसंद करेंगे। क्या प्यारा शब्द लिखा हुआ, बताइए इतनी डिटेल लिखी हुई। भैया देखिए, एप्पल का ऑफिशियल शोरूम आपका कहां खुलता है, मुंबई में खुलता है। एप्पल का ऑफिशियल शोरूम कहां खुलता है, मुंबई में खुलता है। अब वो क्या करें कि हम शिक्षा कौन सी पाए हैं, क्षेत्रीय भाषा वाली शिक्षा पाए,
अब क्या होगा, एप्पल वाले रख लिए क्षेत्रीय भाषा वाले महाराष्ट्र वाले के को, तो महाराष्ट्र वाला क्या बोलेगा, एप्पल वाले बोलेंगे व्हाट हैपेंड, तो क्या माई ओ मला माइते ना, क्या बोलते हैं, मला माइते ना, मुझे समझ में ही कुछ पता ही नहीं है। तो आदमी उधर बोलेगा वर्क फास्ट, तो इधर कहेंगे घाई नको, तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा इच्छा है मालिक हम अपन कंपनी लेकर के जा रहे हैं। तो अब ये चीज सच में इंपैक्ट डालेगी, इसलिए हमको अदर लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको लाभान्वित करेंगे, तो ये तर्क आपका मजबूत है। जो संभवता विदेशी भाषा, भाई एप्पल विदेशी कंपनी अमेरिकन कंपनी है तो अंग्रेजी जानने वालों को ही वो जॉब देगी ना, तो दूसरी दलील आपकी मजबूत है, दूसरी दलील आपकी मजबूत है। और जिन्होंने पहली दलील को बताया, जिन्होंने कहा कि पहली दलील आपकी मजबूत है, वो गलत है। वो दोनों गलत जिन्होंने बताया, वो बिल्कुल, वो तो और गलत है। बताइए, देखिए व्यवहारिक जीवन है, रीजनिंग क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। जितना व्यवहारिक ज्ञान लगा लोगे भैया, उतना सही कर ले जाओगे। बताइए, उत्तर बताइए, ऑप्शन सी बताया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई चार आकृतियों की एक श्रृंखला बनती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फिगर फ्रॉम सीरीज, सीरीज बनती है, श्रृंखला बनती है, आप कैसे करेंगे। यहां पर देखिए कुछ एंट्री हो रही है, कुछ एग्जिट हो रहा है, कुछ एंट्री हो रही है, कुछ एग्जिट हो रहा है। जैसे देखिए एग्जैक्टली जो यहां पर डिजाइन होती है, जो यहां पर डिजाइन होती है ये यहां पर चली जाती है, जो यहां पर डिजाइन होती है वो यहां पर चली जाती है, और जो यहां पे डिजाइन होती है वो यहां पे चली जाती है, और जो डिजाइन यहां पे होती है यहां पे चली जाती है, और यहां पे जो डिजाइन होती है वो नई आ जाती है, हर बार कुछ नया आ जा रहा है। देखिए जो भी कुछ यहां पे रह रहा है, हर बार जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है कुछ नया आ जा, यहां हर बार कुछ नया आ जा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो डिजाइन होगी ये गायब हो जाएगी, ये जो डिजाइन होगी ये गायब हो जाएगी, ये जो डिजाइन होगी ये गायब हो जाएगी, ये कट गई यहां, ये भी कट जाएगी, क्योंकि हमें नया जो वहां पे होती है वो चेंज हो, गायब हो जा रही, गायब हो रही है ना। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि जो यहां पे है वो नीचे आ, क्या करना है, दी गई श्रृंखला में से चार एक श्रृंखला बनाती है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर फ्रॉम अ सीरीज, फ्रॉम अ सीरीज क्या बताना क्या है, बताना क्या है इसमें, अरे बताना क्या है, आप लोग कैसे उत्तर बता दिए, कैसे आप लोग उत्तर बता दिए हैं, कैसे उत्तर बता दिए आप। यहां पर कहता है निम्नलिखित दी हुई चार आकृतियों में एक श्रृंखला बनती है, अरे कौन सी श्रृंखला बन रही है, अगला क्या हो जाएगा, अगला कुछ नया आएगा, ये नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, सी आपका आ जाएगा। नई की जो एंट्री हो रही है वो कहां पे हो रही है, नई की एंट्री जो हो रही है कुछ नया ही नहीं बन रहा है, कुछ नया बन ही नहीं रहा। क्या करना क्या है इसमें, इसमें करना क्या है,
इसका वो कहां है? कुछ किसी को पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा किसी को? नहीं, एक मिनट रुकिए, ये पूरा कंपास क्या हो रहा है? ये यहां पे आ रहा है, फिर ये यहां पे आया, फिर ये यहां से यहां आया, फिर ये यहां से, यही गलत है। ये आपका सीरीज नहीं बना, ये आपका सीरीज नहीं बन रहा, यही गलत है। ये डी वाला गलत है, इसमें आपको गलत पकड़ना है। कौन सा? ये आपका गलत पूछ रहा है। देखिए ना, मूवमेंट देखिए, पहले यहां पे आता है बॉक्स, देखिए पहले ये यहां पर आता है, फिर ये यहां पे आता है, फिर ये यहां पे आता है। एक्चुअल में इसको यहां पे आना चाहिए था, एक्चुअल में कहां पे आना चाहिए था? यहां पे, ये बॉक्स यहां पे है, ये यहां पे आता है, फिर ये यहां पे आता है, यहां पे कुछ नया आ जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? कुछ नया आ जा रहा है। तो यही आपका हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। डी वाले में ही कुछ अलग हो रहा है, देखिए डी वाले में ही कुछ आपका अलग होता चला जा रहा है, डी वाले में ही कुछ आपका अलग होता चला जा रहा है। डी वाला ही गलत है, यही आपका हो जाएगा जो सीरीज से अलग है, सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ये डी वाला जो है वो सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना? वैसे गोला मार देते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, बताइए उत्तर, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए ए ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइए, उत्तर बताने का प्रयास करिए, बात मत करिए प्लीज आपस में, प्लीज आपस में आप लोग बात मत करिए, ठीक है ना? आपस में बात करने का कोई फायदा है नहीं। देखिए, कहता है कुछ कागज इस्पात है, सम कागज और इस्पात, कुछ कागज इतने कागज, अरे बात, कुछ कागज क्या है आपके? इस्पात है, कुछ कागज को हमने इस्पात बना दिया, कुछ कागज को हमने इस्पात बना दिया। कहता है सारे इस्पात धातु हैं, जितने भी इस्पात हैं सबके सब क्या है आपके? धातु, जितने भी इस्पात हैं सबके सब आपके क्या है? धातु, ठीक है, धातु बना दिए। और सारी धातुएं क्या है आपकी? काली है, जितनी धातुएं हैं सबके सब क्या है? काली है। यहां पर कहता है कुछ कागज, यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका कागज, ये आपका क्या हो गया? कुछ कागज क्या है आपके? इस्पात, और सारे इस्पात क्या है आपके? धातु है, और सारी धातुएं क्या है आपकी? काली। निष्कर्ष की बात करते हैं, देखिए कहता है कुछ कागज धातुएं हैं, कुछ कागज धातुएं हैं, बिल्कुल सही बात, और सारे इस्पात काले हैं, सारे इस्पात क्या है? काले हैं। दोनों के दोनों आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। चले अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपका सवाल है, कौन सी जोड़ी चरम पर है, कौन सी जोड़ी चरम पर है? चरम का मतलब, चरम का मतलब समझते हैं क्या हो गया? साउथ की मूवी नहीं चल रही, रामचरण तेजा आपको नहीं बताना है। चरम का मतलब लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर की बात करता है। बताइए, अधूरा है क्वेश्चन, चलिए आप बता रहे हैं अधूरा है, मैं भी करने का देखता हूं, क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, क्या लिखते हैं? क्वेश्चन अधूरा है, मैं भी बना लेता हूं एक बार। यहां पर लिखता है पांच व्यक्ति पी क्यू आर, पी क्यू एक्स वाई और जेड एक कतार में बैठे हुए, सभी का मुंह की उत्तर की ओर है,
पहला क्या कहता है, एक्स जो है वो क्यू और पी के बीच में बैठा है, एक्स जो है वो क्यू और पी के बीच में बैठा है, क्यू और पी के बीच में बैठा है, एक्स जो है वो क्यू और पी के बीच में बैठा है, लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, क्वेश्चन खत्म। यहां पर कहता है y बाई ओर कतार के अंतिम छोर पर है, y बाई ओर कतार के अंतिम छोर पे, क्वेश्चन खत्म। किसने कहा अधूरा है, किसने कह दिया अधूरा है क्वेश्चन? पांच ही लोग थे ना, एक दो तीन लोग हो गए, अंतिम छोर पे नहीं है, p और की किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, यहां पर y हो गया, तो y का निकटतम पड़ोसी यहां पर कहता है, और y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई भी होगा उससे क्या मतलब, यहां पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब ये बताइए, जब ये बोल रहा है कि x जो है वो p और q के बीच में है और p और q किसी अंतिम कोने पर नहीं है, तो जो दो लोग बच गए हैं वही तो क्या हो जाएंगे, वही तो एक कतार में, यहां पर देखिए क्या कहता है, चरम छोर पे यही दोनों आ जाएंगे ना, x और y, y और z, तो अधूरा कैसे क्वेश्चन हो गया, अधूरा क्वेश्चन कैसे हो गया डियर, पहला ही शब्द पढ़ते हुए आपको उत्तर पता चल गया था। Only one is enough, केवल एक ही पर्याप्त था, लेकिन पर्याप्तता पूछता तो यहां पर आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन सही था, अधूरा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। जबरन निकालना है तो निकल ही जाएगा, आप मतलब ये बताइए किसने आपसे कहा कि ये जबरन निकाला जा रहा है, किसने आपसे कहा कि ये जबरन निकाला, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जबरन किसने कहा आपसे मैं निकाल रहा हूं, सवाल पढ़ना है। कहता है कौन सी जोड़ी चरम छोर पे है, यहां आप ये भी बता सकते हैं कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, यहां तक आप यह भी बता सकते हैं कि लेफ्ट चरम छोर पे कौन है, राइट चरम छोर पे कौन है। पहला कहता है एक्स जो है वो पी और क्यू के बीच में बैठा है, लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है। हमको शादी थोड़ी ना करा, हमें ससुर जी से रिश्ता, वो क्या बोलते हैं कि आपके ससुर के दादा के पोते से रिश्ता नहीं जोड़ना, आपको आपकी ससुर की बेटी से रिश्ता जोड़ना है। यहां पर ये हो गया, क्या कहता है, एक्स जो है पी और क्यू के बीच में बैठा, एक्स जो है पी और क्यू के बीच में बैठा। दूसरे में कहता है वाई जो है बाई कतार पे है, जेड, हमसे यही पूछा जा रहा है, तो ये जबरन नहीं हुआ, जबरन निकाल रहे हैं, अलग लेवल में है, गजब गजब बच्चे हैं, जबरन निकाल दे रहे हैं। बट अगले सवाल की बात करते हैं, देखिए टी जो है वो पी की बहू है, टी जो है वो किसकी बहू है, पी की बहू है, मतलब इनका कोई पति होगा और पति की मां या पिता होंगे पी, ये पत्नी है, शरीके हयात है। कहता पी की एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, तो W का T से क्या रिश्ता है, W एक ही बेटा है तो पति नहीं हो जाएगा, पति हो जाएंगे, शौहर हो जाएंगे, उस विकल्प का चयन करिए जो अलग है, उस विकल्प का चयन करिए जो अलग है। बताइए, यहां पर देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी तो पक्षी विज्ञान होता है ना, ऑर्निथोलॉजी तो पक्षी विज्ञान होता है ना, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, रेनोलॉजी, पेलियोबॉटनी और पाइथोट्रॉपी,
ऑर्निथोलॉजी ये पक्षी विज्ञान होता है, जबकि सभी जंतु विज्ञान से संबंधित, बाकी सभी जंतु विज्ञान से संबंधित। उत्तर बताइए, सी। सी लग रहा है, बहुत बढ़िया आंसर बताइए। थोड़ा तेजी के साथ बताइए, टाइम भी कम है, बहुत तेजी से समय भी बीतता है। यहां पर देखिए बी ए एन की बैंक, इसके बाद कहता है सी बी ओ एल, फिर उसके बाद कहता है सी ओ आर ई, तो क्या कहता है डी डी पी एस एफ कहता है सी, फिर आपसे कहता है सी ए आर डी। ध्यान से देखिए, अगर बी का मतलब दो एक चौदह और यहां पर ग्यारह है, सब में क्या किया गया, प्लस वन 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 प्लस वन। सीरीज का सवाल है, बताइए। 33, बहुत बढ़िया, 33 33 किसमें, इस सवाल का उत्तर बताइएगा जरा जरा जरा। महकता है आज तो मेरा तुम, उत्तर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 38, 48, 96 कौन सा असंगत है, मतलब नॉर्मल वे में आप चीजों को बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन आपको जब गलत बताना हो तब आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उत्तर बताइए, अड़तालीस दूना कितना होता है, 96 दूना यहां पर कितना होगा, यहां पर 24 होना चाहिए, 24 दूना 48 हो जाएगा। बताइए और तेजी के साथ बताएं, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन एकाध बन ही जाता है, कभी कभी यहां से भी एकाध क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। आज अभी बहुत आसान आसान सवाल चल रहे हैं, अभी बहुत आसान आसान सवाल चल रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे अभी 20 सवाल हैं, घबराइए मत, अभी तो आसान सवाल चल रहे हैं, अभी इसमें बहुत सवाल हैं। कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, यहां पर देखिए पी आपको दिखता है, इपिक में पी है, मैजेस्टिक में ई है, इपिक में पी है। उत्तर बताइए, अफ्रीका सेसल्स विक्टोरिया, ये सवाल मैं कई बार आपको करा चुका हूं और आप हमेशा गलत किए हैं, आज सही कर दीजिएगा, यही आपकी मोहब्बत हो जाएगी, यही आपसे मोहब्बत हो जाएगी, सही कर दीजिएगा इसको। बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, अफ्रीका विक्टोरिया सेसल्स, देखिए विक्टोरिया जो है वो सेसल्स की राजधानी है, जो विक्टोरिया है वो सेसल्स की राजधानी है, और ये अफ्रीका से अलग, अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग है। लीजिए 40 सेकंड का समय करिए, 40 सेकंड का समय है करिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यहां पर सवाल है, कहते हैं ना सवाल करना ना जवाब मिलेगा, सवाल क्या लिखा हुआ है, अनिका का कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, पहले की बात करता है, उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिनमें से 9 लड़कियां अनिका से लंबी हैं। दूसरा कहता है जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़ा किया गया तो अनिका ऊपर के क्रम से सीधे छात्रों में 25वें और लड़कियों के 7वें स्थान पर रही। बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा,
एक या दो, आइदर एक या दो। या का मतलब क्या है? एक बच्चा बता रहा है एलियाना क्या है, आइदर बता रहे हैं, सुधीर भी आइदर बता रहे हैं, सुधीर भी आइदर बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आइदर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, आइदर वालों को भी देख लेते हैं, मतलब पहले से भी आ जाएगा दूसरे से भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखता है अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं। हम पहले से, मतलब आपने कहा कि पहले से उत्तर आ जाएगा, चलिए पहले से उत्तर निकाल देते हैं। उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें से 9 लड़के अनिका से लंबे। यहां पर कहता है अनिका की कक्षा में 30 लड़के हैं जिस, यहां पर कहता है कितने लड़के उससे छोटे हैं, कितने लड़के इससे छोटे हैं। तो बिना पेन चलाए आप पहले को करेक्ट कह सकते हैं, बिना पेन चलाए आप पहले को सही कह सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। पहले में आपको पता चल जाएगा कि आप 30 में से 19 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 11 लड़के जो है वो अनिका से छोटे हैं। से आपको पार किया था, देखे कहने कहा था आपको मूवमेंट बहुत तगड़ा मिल जाएगा, आप सब लिए थे ना, सब लिए जवाब बोलने पड़े थे ना, पुराना जो आपने खरीदा उसी के आसपास 10 पॉइंट पर नीचे लीजिए। मेरा तो देख रहे हैं, देख रहे हैं मेरी क्या 20 पे एसएल लगाया, 20 पॉइंट ट्रिगर लगाया, टेस्ट ट्रिगर पे बिट करके वहीं से बैक मारा, ट्रिगर 21 रखा वही जरूर। आप एसएल ट्रेस करते रहिए, वो जाएगा 45 के ऊपर जाएगा, ज्यादा लंबा गैप अप मत लीजिएगा, लॉस मत लीजिएगा, अगर प्रॉफिट में आ गए तो आप लॉस मत जाइए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, आगे क्या कहता है, बहुत बढ़िया श्री, ये आगे अगले की बात करते हैं। आपने कहा आइदर वन और टू, ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया गया तो अनिका के ऊपर क्रम से सभी छात्रों में 25वें और लड़कियों में 7वें स्थान पे थी। अब एग्जैक्टली हमको यह नहीं पता, यहां पर इस बात को ऐसे समझिए, पहले से आपने कहा आइदर वन इज, अरे यार ये क्या है, आपने ये कहा मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली इससे बात करेंगे, आपने कहा दूसरे से भी उत्तर निकल आएगा, आपने कहा दूसरे से भी उत्तर निकल आएगा। भैया महेंद्र जी, गुरुदेव महेंद्र को ब्लॉक करवा दीजिए, लड़कियों को बहुत, भैया महेंद्र को महेंद्र को देखना, अरे इधर देख, वो देखना कोई महेंद्र बच्चा है क्या क्लास में हमारे, देख लेना कोई महेंद्र बच्चा हो तो उसको थोड़ा समझा देना। लिखता है अनिका की कक्षा में छात्र, देखिए जब अनिका की कक्षा में छात्रों को ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़ा किया गया तो अनिका ऊपर से क्रम के, यहां पर कहता है तो अनिका ऊपर से क्रम में सभी छात्रों में 25वें नंबर पे रही, सभी छात्रों में 25वें नंबर पे रही, ठीक है। और यहां पर कहता है और लड़कियों में 7वें स्थान पे रही, और लड़कियों में 7वें स्थान पे रही, लड़कियों में 7वें स्थान पर रही, लड़कियों में 7वें स्थान पर रही, और वही की बात करता है। और वही का मतलब क्या होता है, एक बार इसका मैं वो देख लूं, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, सबसे छोटे घटते घटते क्रम, जब अनिता को ऊंचाई के क्रम में, यार ये सही है, दूसरे से आ जाएगा, दूसरे से आ जाएगा। यादव जी प्लीज, हम सीरीज नहीं पढ़ाते हैं, यादव जी हमको पढ़ा लेने दीजिए, हमको ये नहीं पता चल रहा है। जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम, तो कहता है कितने बच्चे छोटे, इसकी बात करता है छोटे ना कि लंबे। अच्छा ये बताइए, नॉर्मल सी बात ये हमको बताइएगा, आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चों ने आइदर बोला है, जितने बच्चों ने आइदर बोला है, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं आइदर वाले थोड़ा ध्यान से देखें, आइदर वाले हमको
पहले को तो हटा देते हैं, आपके कहने पे मैंने पहले को हटा दिया। आप हमको दूसरे से उत्तर निकाल के बताइए आपका उत्तर क्या, दूसरे से आप हमें आंसर निकालिए, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर हमको कुल संख्या ही नहीं पता है, हमको अनिका से बड़े, अनिका से, हमको अनिका से लंबे बच्चे तो मिल जा रहे हैं, अनिका से लंबे बच्चे तो मिल जा रहे हैं, लेकिन 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 अनिका से कितने लोग छोटे हैं ये नहीं मिल रहा है, अनिका से कितने लोग छोटे हैं ये नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए आपने कैसे निकाला दूसरे से, क्या आपको कुल संख्या बिना जानकारी के आपने निकाल दिया, तो ओनली वन होगा डियर, पहले से ही केवल निकाला जा सकता है, दूसरे से संभव ही नहीं है, दूसरे से संभव नहीं है, गलत है, ठीक है ना, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। अगले की बात करते हैं, अगला बताइए आप वक्तव्य, भारत में पंचवर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज HIB के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई, हाई एल्डिंग ब्राइटी सीड होते हैं, क्या होते हैं हाई एल्डिंग ब्राइटी, क्या होते हैं हाई एल्डिंग ब्राइटी, हाई एल्डिंग ब्राइटी क्या है कि हम भारत में जब प्रथम हरित क्रांति की जब बात की गई थी उसी समय में ये चीजें आपकी आई थी, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर देखिएगा, कोई बच्चा एक क्वेश्चन बार 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 कमेंट कर रहा है, भाई अगर किसी से सॉल्व हो तो उसको कर देना भैया, हम देख लेना एक बार, कोई 21, 13, 31, 36, 67, 81 पता नहीं क्या कर रहा है, देख लीजिएगा एक बार, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का ही लॉजिक लग रहा है, यहां पर देख लीजिएगा किसी से अगर हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसका कोई क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिएगा, हो जाए तो। लिखता है अधिक उपज वाली किस्म के बीच HIV में कृषि क्षेत्र HYB कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाते, क्या होगा हाई एल्डिंग ब्राइटी शीट की क्या खूबसूरती थी कि पौधे छोटे होते थे बालियां मोटी होती, अधिक उपज वाली किस्म HYB की तुलना में समान बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादन देते हैं, ये तुलना नहीं है इसलिए ये सही हो जाएगा, मतलब ये तर्क नहीं है इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, एच हाई एल्डिंग ब्राइटी उसका नाम ही है तो करेक्ट होगा ही ना, हाई एल्डिंग ब्राइटी होगा तो उसका तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताइए महेंद्र, आपको एक बात बता दें बेटा, तुम नहीं जान पाओगे, जो ये क्लास है ना, ये जो क्लास है महेंद्र, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, मैं 100% कह सकता हूं बेटा तुमने वीडियो का फॉर्म नहीं भरा, और जितने बच्चे हैं सब 2018 में वीडियो का पेपर दिए थे, मतलब आज 2023 है, आज कौन सा साल है 2023 है, ये 5 वर्ष हो गए, तो ये जान लो कि जितने बच्चे होंगे सब तुमसे कम से कम 5 गुना ज्यादा समझदार हैं और तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत ज्यादा से ज्यादा अभी 19 वर्ष के हो गए, तो इस मेरी क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी तुमसे 4 वर्ष बड़ा होगा, कम से कम, कम से कम तुमसे 4 साल बड़ा हो, तो इसलिए अपने बड़ों को दीदी और भैया कह के सम्मान करते हुए इस क्लास में आपकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त, आप शाम को 6 बजे मुझसे मिलिएगा, सब आपके हम उम्र बच्चे मिलेंगे वहां पे करिएगा, यहां पर सब आपके दीदी हैं, सब आपके भैया हैं, सब आपके बड़े हैं, तो बड़ों के साथ सम्मान से पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप छोड़ दीजिए क्लास, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, मात्र एक किलोमीटर पूरब। गलती से तुम शाम वाली क्लास में होते ना तो तुम अब तक तो तुम भाग गए होते क्लास छोड़ करके, इसमें मैं किसी को कुछ जाटता औरता नहीं हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं। चलिए बताइए 10 साल, हाँ अब इनको कौन बताए उत्तर, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए समय कम है,
उड़ान ऐप ओपन नहीं होना, उड़ान ऐप नहीं ओपन होगा धर्मेंद्र जी, हो सकता है ऐप में कोई प्रॉब्लम हो, एक बार आप फोन को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, आप एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लीजिएगा, पुनः स्टार्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर बताइए वाई एल जे एच के जेड ओ एन ए एल, संजय जी नहीं है हमारी क्लास, संजय जी हैं कि नहीं पता नहीं कौन है, हमको क्या पता। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या हो जाएगा वाई ए, ये उसका उत्तर बताइए, क्या उत्तर बताया आपने, उत्तर बताइए, छोड़िए जल्दी बताइए, समझ में आई बात, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या किया जा रहा है एलियाना, कितना कितना एलियाना, जल्दी उत्तर बताना, सौरभ जी उत्तर बताइए, सगुन उत्तर बताओ, सगुन उत्तर बताओ, कोई तो उत्तर बताए, बी आंसर बता रहे हैं। देखिए हम एक चीज बताए ना, सगुन सौरभ प्रियंका, अगर गलत हुआ ना हम बता रहे हैं कि हत्या हो जाएगी किसी की यार। यहां पर देखिएगा 2, 5, 7, 9 और 14, यहां पर देखिएगा 25, यहां पर 12, 10, 8 और 11। अगर मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर हमको दिखता है +3, 7, 3, 10 +3, यहां पर क्या दिखता है +3, बीच में हमको तीनों जगह पे +3, +3, +3 दिखता है। तो यहां पर अगर मैं +3 करूंगा तो D, और यहां पर देखिए 14, 14, 3, 14, 3 कितना हो जाएगा 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा Q, और O का मतलब 15, 15, 3, 18, तो DQR। अब सवाल यहां पर ये आता है 14, 14 में 11 जोड़ देंगे +25, तो 12 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 23 का मतलब W, W भी होगा, Z का मतलब 26, और यहां पर देखिए 2 में कितना जोड़ा गया है, 2 में 9 जोड़ा गया है, और 26 में 9 जोड़ेंगे तो I हो जाए, तो भैया आपका यहां पर होता है D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 9 जोड़ा गया है डियर, 9 जोड़ा गया है, D ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो B बता रही थी नेहा प्रजापति जी है, नेहा, ए नेहा, मुकेश, हे मुकेश भैया, हे मुकेश, आशीष, हे आशीष भैया, भैया बोलो गलत करोगे है? फिर से गलती होगी, होगी गलती, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, इस सवाल का उत्तर यही वाली डिजाइन आपको चाहिए, यही एग्जैक्टली डिजाइन यही वाली चाहिए, ढूंढिए कहां, ये गलत है, ये गलत, ये होगा कि ये होगा, दोनों एक के नियर तो दिखाते भैया, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो ये अंदर से टिल्ट है थोड़ा सा, तो ये सवाल आपके सामने बहुत छोटा सा, इसलिए 30 सेकंड का ही समय देंगे, सिर्फ 30 सेकंड का ही समय देंगे, बताने का प्रयास करिएगा। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए आप सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज बताने का प्रयास करिए। उत्तर बताइए, अभी आगाज है मेरा, उत्तर बताइए जल्दी से, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि मुझे छोटा सा एक इवेंट लेना है, बहुत जरूरी काम करना है, मैं माफी चाहूंगा लेकिन ये क्लास आपका इवेंट होगा। देखिए यहां पर कहता है लाइफ कूट शब्द कोड को कैसे लिखा जाएगा, यहां पर देखिए लाइफ को ये लिखता है, यहां पर देखिए लाइफ को ये लिखता है, लाइफ को ये लिखता है, अब बताइए लाइफ को ये लिखता है, उत्तर बताइए, बताइए जनाब, दोनों दोनों गलत, भाई मैया रे दोनों गलत है, चलिए फिर दोनों गलत हैं तो हम मान लेते हैं दोनों गलत है, मुझे एक छोटा सा मेरा 12:50 पे क्लास, वो है छोटा सा इवेंट है, इसलिए मैं क्लास को समय से छोड़ना पड़ेगा मुझे। देखिए यहां पर देखिए एल आई दोनों मिलके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ओरल आप कर सकते थे,
आप ओरल कर सकते थे, देखिए ओरल आप कर सकते थे, कोई बहुत जरूरी बात नहीं। देखिए यहां पर एल आई मिल जाता, उसके बाद वी ई नहीं ये मिल जाता, एफ का कोड कहीं कॉमन हो जाता तो मिल जाता, वी का कोड मिलेगा नहीं, इसलिए हम उत्तर नहीं कर, हम उत्तर नहीं कर पाएंगे। ये आपका एज अ होमवर्क है, बहुत आसान सा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, कल इसको भी करेंगे, नया सेट भी करेंगे, 31 एंड 32। ये दोनों क्वेश्चन है आपको करना है, मैं कराऊंगा, ठीक है ना। सभी लोग एक बार पहले सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, पहले एक बार बताइए आपको चीजें ठीक लगी। अभी देखिए कुछ बहुत अच्छे सवाल थे वो अभी हो नहीं पाए, मैं तो आपको बताऊं थोड़ा सा कुछ अच्छे सवाल थे वो हो नहीं पाए, वो आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, अभी बहुत सारे कुछ अच्छे सवाल थे जिन्हें हम लोग नहीं कर पाए, उन्हें कल की क्लास में करने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आज ज्यादा ही थे स्टार्टिंग में, कोशिश करके आप आइए, ध्यान से आइए। और बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है, चीजों को जानता हूं, मुझे बहुत जानकारी, आप यकीन न मानिए, आप बहुत चीजों को देखते हैं, आप पढ़ते रहिए। गुरु जी कल थोड़े से क्लॉक वाले अच्छा ले आएंगे, वो तो आराम से हो जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं कि आप बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, चीजों को देखते रहिए, और भी कहीं भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप उसको भी करिए, लेकिन आप देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए भेज दो ना पीडीएफ भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लिया ना, मैं भेज देता हूँ, आप जाइए मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके डन, थैंक यू सो मच बाबा। एक मेरा इवेंट होगा, लगा दीजिएगा, एक मेरा इवेंट होगा, इसको पहले बंद कर दीजिए सर। और